गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से गवर्नर बलूचिस्तान जाफिर मंदोखेल की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर बलूचिस्तान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुल्क में इस्तेकाम के लिए इतिहादी हकूमत को मजबूत बनाना और इसका चलना बहुत ज़रूरी है। विफाक और सूबे के दरमियान राबते बेहतर बनाने में मुस्बित किरदार अदा करूँगा। जाफिर मंदोखेल का कहना था, सूबा बलूचिस्तान की तरक्की और अमनो अमान तरजीह है। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास आज होगा। नवाज शरीफ को कायम मुकाम सदर नामजद किया जाएगा। पार्टी के सीनियर अरकीन नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मुकाम सदर बनाने की करारदाद पेश करेंगे। इजलास दोपहर 2 बजे पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में होगा। जनरल काउंसिल के आइंदा इजलास में नए पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के अरकीन की नामजदगी की जाएगी। पंजाब असेंबली के जुडिशल अलाउंस में मुबैना करप्शन का केस। साबिक वजीर आला परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ समाअत आज होगी। एंटी करप्शन के जज सफदर हुसैन भट्टी केस की समाअत करेंगे। पुलिस मोहम्मद खान भट्टी को हाजिरी के लिए जेल से अदालत लाएगी। और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्तान बहावलपुर साहिवाल रीजन के आरपीओ सीपीओस की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। कच्चा के इलाके में ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर फोकस होना चाहिए। अगवा बराए तवान समेत मुनज़्ज़िम जराइम के खात्मे के लिए इंसदादे कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए।